नमस्कार, आप देख रहे हैं भव्याश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। कौन बनेगा करोड़पति सीजन 12 के जितने भी प्रतिभागी हैं, शायद आपको ये मालूम चल चुका होगा कि केबीसी 2020 का जो शो है बहुत जल्द सोनी टीवी चैनल से प्रसारित होने वाला है। इसका मतलब है कि जैसा कि हम आपको पहले भी बता रहे थे कि अब सितंबर के लास्ट में या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में कभी भी इस शो को टेलीकास्ट किया जाएगा, लेकिन ये वीडियो हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में कि वैसे प्रतिभागी जिनके पास पर्सनल इंटरव्यू कॉल यानी कि पीआई कॉल नहीं पहुंचा है और वो कन्फ्यूजन में फंसे हुए हैं कि आखिर जो है प्रतिभागी को कितना सही जवाब देने पे जो है सिलेक्शन हो रहा है या फिर पीआई कॉल वहाँ पे आ रहा है, वो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। काफ़ी सारे ऐसे भी केबीसी के प्रतिभागी हैं जिनका मेल आता है कि जो केबीसी नीडी है यानी कि जिनका केबीसी का ज़रूरत है या फिर जो केबीसी के लिए एबल है, सक्षम है, उनके पास केबीसी का पीआई कॉल नहीं जाता है और वैसे प्रतिभागी को चयनित किया जाता है जो उस लायक नहीं है, तो वो सारा आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले तो अगर आप पर्सनल इंटरव्यू कॉल का इंतजार कर रहे हैं तो आखिरी 15 सितंबर तक आप इंतज़ार कीजिए। और अब हम आपको बता दें कि आखिर आपके मन में ये सवाल आज के डेट में ज़रूर घूम रहा होगा कि आखिर मेरा सिलेक्शन यहाँ पे क्यों नहीं हुआ है, क्या कारण है कि केबीसी हमें सेलेक्ट नहीं किया है, जबकि आप काफ़ी सारे सवाल का वहाँ पे सही जवाब दिए हैं। वो सारा रीज़न आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, केबीसी का कोई भी वहाँ पे डाटा नहीं है। जैसे आप किसी भी बोर्ड का एग्ज़ाम देते हैं या फिर कहीं पर भी एग्ज़ाम देते हैं तो उसका एक रैंकिंग होता है कि उतना रैंकिंग आप लाते हैं तो उस अनुसार जो है आपको डिवीज़न वहाँ पे दिया जाता है, लेकिन केबीसी में कोई भी रैंक नहीं है। इसका मतलब आप साफ साफ समझ सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी एक मीटर नहीं है कि इतना आप सही का जवाब देते हैं तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। चूँकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि केबीसी जो है 110% आप इसको बोल सकते हैं लकी गेम है, यानी कि लक का गेम है। अगर नाम इसमें सिलेक्शन आपका हो जाता है तो आपके पास पीआई कॉल चला जाता है, लेकिन लक की बात जो है ऑनलाइन ऑडिशन तक ही जो है अधिकांशता आता है। ऑनलाइन ऑडिशन के बाद लास्ट हो जाता है पीआई कॉल। अब पीआई कॉल में लक उतना नहीं चलता है, आपका वहाँ पे दो चीज़ डिपेंड किया जाता है। दो क्या है, एक तो सबसे बड़ी बात कि आप कितना सवाल का सही जवाब दिए हुए हैं और दूसरा आपका वीडियो का कैटेगरी जो आप सबमिट किए हुए हैं वो कैसा आप सबमिट किए हैं। ये दोनों को देखकर ही जो है वहाँ पे प्रतिभागी को चयनित किया जाता है। अब इस शो से जुड़ी हुई कुछ हम यहाँ पे ऐसा अपडेट आपको बता देते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा। आप केबीसी मंच पे जितने भी प्रतिभागी को देखते हैं, आप अपना आप एग्जाम्पल वहाँ खुद लीजिए कि अगर आप जैसे कि 23 सवाल पूछा गया था ऑनलाइन ऑडिशन में, जिसमें 3 जो था वो ट्रायल के लिए था, बाकी 20 सवाल का आपको जवाब वहाँ पे सबमिट करना था। अब सपोज डेट हम यहाँ पे मानते हैं कि वैसे प्रतिभागी जो 20 सवाल में से 18 सवाल का सही जवाब दिए हैं या फिर 16 सवाल का सही जवाब दिए हैं, फिर भी उनके पास जो है पीआई कॉल नहीं गया है, इसका रीज़न क्या है? सही सवाल देना वहाँ पे जरूरी नहीं है, जरूरी है कि आपने अपना वीडियो वहाँ पे कैसा सबमिट किया है। सबसे बड़ा चीज़ ये होता है, आप वह उस शो पे जाके या फिर उस मंच पे जाकर कितना अर्निंग करने वाले हैं, कितना जीतने वाले हैं, इस बात से केबीसी को टीम को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। केबीसी ये सोचता है कि जो इस प्रतिभागी को हम अपने मंच पे बुला रहे हैं या फिर आप केबीसी पे जा रहे हैं तो आप केबीसी टीम को टीआरपी कितना देने वाले हैं डिपेंड इस पर करता है। तो इसका एक ही लॉजिक है, और लॉजिक क्या है कि आप वीडियो कैसा बना के वहाँ पे अपलोड किए हुए हैं। जाहिर सी बात है, हो सकता है जीके आपका काफ़ी बेस्ट होगा, आप जीके में जो है काफ़ी पारंगत हासिल किए होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप वीडियो में डाउन गए हैं, वीडियो आप परफेक्ट वहाँ पे नहीं बनाए हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि एक आम स्टूडेंट हो सकता है एजुकेशन में वो काफ़ी बेहतर हो, लेकिन वीडियो बनाने के मामले में ज़रूरी नहीं है कि सभी कोई जो है कैमरा के सामने बेहतर ही बोल पाए। लेकिन केबीसी टीम उसी प्रतिभागी को अपने मंच पे बुलाता है। जैसा कि आपको मालूम है कि अगर फर्स्ट इस प्रोमो की बात करें, जो केबीसी का प्रोमो जो है लॉन्च किया गया है, उसमें आप देखे होंगे, सबसे पहले इसी एग्जाम्पल से आप समझ जाइए कि केबीसी कैसे प्रतिभागी को जो है बुलाती है। अगर आप प्रोमो देखे होंगे, उसमें जो प्रतिभागी वहाँ पर बैठे हुए हैं उनके तरफ से क्या बोला जा रहा है, 1000 रुपये वो जीते हुए और वो बोल रहे हैं कि सर हम 500 रुपये से एक बिजनेस की शुरुआत किए थे और 10 करोड़ तक वो बिजनेस मेरा गया था, लेकिन अचानक जो है वो बिजनेस मेरा ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे 1000 हम जीते हैं तो आप सोच सकते हैं कि हम कहाँ तक यहाँ पे जाने वाले हैं। अब इस एपिसोड को देख के केबीसी को टीआरपी मिलने वाला है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं इसमें कितनी सच्चाई है या फिर कितना ये फेक प्रोमो है, ये सब लोग जानते हैं, इसमें कोई सोचने और समझाने की बात ही नहीं है। लेकिन ऐसे ही वीडियो से केबीसी को जो है टीआरपी मिलता है,
अगर इसी तरीके से आप झूठ बोलेंगे वहाँ पे, या फिर इसी तरीके से आप अपने आप को डाउन गिराएंगे, यानी कि सीधा सीधी मतलब आप समझ जाइए कि केबीसी मंच पे वैसा वर्ड आप इस्तेमाल करते हैं जिसे केबीसी को टीआरपी मिल जाए या फिर उसका शो जो है हाई लेवल में पहुँच जाए, तो जाहिर सी बात है वैसे प्रतिभागी को केबीसी जो है अपने मंच पर बुलाती है। अब आते हैं प्रतिभागी के बात पे कि अगर आपने 16 सवाल का सही जवाब दिया है या फिर 18 सवाल का सही भी जवाब दिया है तो भी आपका जो चयन है या फिर आपका जो सिलेक्शन है वो केबीसी टीम नहीं करने वाली है, क्योंकि केबीसी आपके वीडियो को देख के पता चल जाता है केबीसी टीम को कि अगर आपको वो मंच पे बुलाता है तो फिर आपका जो प्रोनाउंसिएशन होगा, उच्चारण होगा या फिर जो वार्तालाप आपसे होगा अमिताभ बच्चन के बीच, वो किस अनुसार वहाँ पे होने वाला है, आप क्या जवाब देने वाले हैं। अब समझ सकते हैं कि अगर आप वहाँ पे एजुकेशन में काफ़ी बेहतर है, जीके आपका काफ़ी बेहतर है, लेकिन आप केबीसी के मंच पे जाकर अच्छा आप वहाँ पे बोलते नहीं है या फिर महानायक अमिताभ बच्चन के बीच अगर कोई वार्तालाप होता है तो आप वहाँ पे सही तरीके से जो है वो वार्तालाप नहीं कर पाते हैं, तो केबीसी का जो मंच है या फिर जो उसका टीआरपी है कहीं ना कहीं डाउन होना शुरू हो जाता है। तो एक तो 110% आप यहाँ पे समझ लीजिए केबीसी को आपके एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है, आप तो जाके वहाँ पे जीतेंगे, आप अपने एजुकेशन का वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, लेकिन केबीसी को क्या चाहिए, केबीसी को सिर्फ और सिर्फ अपने शो का टीआरपी चाहिए, यानी कि दर्शक जो है उस शो को ज़्यादा से ज़्यादा देखे, वही सिर्फ केबीसी टीम को चाहिए। तो एक तो आपके एजुकेशन से केबीसी को कोई लेना देना नहीं है, तो अगर आप इस कन्फ्यूजन में फंसे हुए हैं कि आप 16 सवाल का सही जवाब दिए हैं या फिर 18 सवाल का सही जवाब दिए हैं तो ये आप भूल जाइए, वीडियो अगर आपका वहाँ पे बेहतर नहीं होगा तो सिलेक्शन वहाँ पे नहीं होगा। लेकिन वैसे प्रतिभागी जिन्होंने वहाँ पे अपना जो है सवाल का जवाब कम दिया है, यानी कि अगर 20 सवाल था तो उसमें मान लेते हैं 14 सवाल का ही वो सही जवाब दिए होंगे या फिर 12 सवाल का ही वो सही जवाब दिए होंगे, लेकिन वीडियो कहीं ना कहीं बेहतर होगा और केबीसी टीम को ये लगेगा कि नहीं इस व्यक्ति को मंच पर बुलाना चाहिए, चूँकि जो आप प्रोमो देखे हैं, प्रोमो तो मुंबई में शूट किया गया है, वो प्रतिभागी जो है मुंबई पहुँच चुके हैं और मुंबई में शूट किया गया है, लेकिन केबीसी जिस दिन टेलीकास्ट होगा, इसका शो जो है जिस दिन प्रसारित किया जाएगा, उस दिन जो ऑनलाइन ऑडिशन अपना वीडियो आप केबीसी को सबमिट किए हुए हैं सोनी लिव ऐप पे, उसी वीडियो को जो है टेलीकास्ट किया जाएगा, यानी कि आप क्या करते हैं अभी फिलहाल वर्तमान में, आप क्या कर रहे हैं और कहाँ के रहने वाले हैं, ये सब सारा वीडियो जो है उसी दिन जिस दिन शो स्टार्ट होगा उस दिन आपको देखने को मिलेगा। तो जिस प्रतिभागी के आप देखे हैं प्रोमो में कि 500 से 10 करोड़ तक का सफ़र किए हैं, वो उस दिन उनका ओरिजिनल वीडियो आप देखेंगे जो ऑनलाइन ऑडिशन में वो सबमिट किए थे कि कहाँ के रहने वाले हैं, पूरा नाम उनका क्या है और वो क्या करते थे, वर्तमान में क्या कर रहे हैं, सारा इन्फॉर्मेशन जो है आपको उस दिन शो में पता चल जाएगा। तो एक तो सबसे बड़ी मिस्टेक यहीं पे, एजुकेशन आपका पीछे छूट जाता है अगर वीडियो आप परफेक्ट सबमिट नहीं किए हुए हैं, आपका वीडियो में जो आप वहाँ पे वॉइस आप डाले हुए या फिर अपना जो वीडियो आप वहाँ पे बनाए हुए थे उससे अगर केबीसी टीम संतुष्ट नहीं है तो 110% वहाँ पे आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। दूसरी बात जो है ये पहले से तय होता है, हम आपको पहले भी बताए थे या फिर केबीसी का पहले से डिमांड होता है कि आपको जो है केबीसी टीम से इमोशनली जो है वहाँ पे अटैचमेंट होना होता है, यानी कि जिस दिन आप ऑनलाइन ऑडिशन देते हैं उस दिन इमोशनली तरीके से जो है केबीसी से आपको अटैचमेंट वहाँ पे होना पड़ेगा, आपका वीडियो वहाँ पे वैसा बना के आपको अपलोड करना पड़ेगा जिस वीडियो को अगर सोनी टीवी अपने चैनल से टेलीकास्ट करे या फिर पब्लिक को दिखाए तो पब्लिक जो है भावुकता से आपकी वीडियो को देखे और जाहिर सी बात है टीआरपी उसका ज़्यादा मिले। एक शो की हम आपको बात करते हैं, उस शो का नाम भी हम आपको दिखा देते हैं कि इंडियन आइडल शो का आप नाम देखे होंगे, ये शो आप काफ़ी बेहतर तरीके से देखते भी होंगे, पिछले अगर 2-3 सीजन की बात करें तो उसमें नेहा कक्कर को आप देखे होंगे जो कि बार बार हर किसी प्रतिभागी के ऊपर अचानक जो है रो देती है। अब वो रोना एक सिंपल है वहाँ पे, पता नहीं वो कितना उसमें वास्तविकता है, लेकिन रो देने से उस शो का टीआरपी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, ये आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं। अब उसमें जो नेहा कक्कर की तरफ से ये बताया जाता है कि हम इस प्रतिभागी को 1 लाख दे रहे हैं या फिर 2 लाख दे रहे हैं, इसमें कितना सच्चाई है ये तो आप उस पर जानकारी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या उस प्रतिभागी को उतना मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, या फिर सिर्फ और सिर्फ ये जो है एक स्क्रिप्ट वहाँ पे डायलॉग होता है कि बोल देना है और शो का टीआरपी वहाँ पे बढ़ा देना है, इस बात पे हम विवाद यहाँ पे नहीं करेंगे, लेकिन हम सीधा सीधी आपको बता रहे हैं कि भावुकता जिसमें हो जाए वहीं से टीआरपी उस शो का बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि अगर आपने वीडियो वैसा वहाँ पे अपलोड नहीं किए हुए हैं तो जाहिर सी बात है केबीसी आपको वहाँ पे नहीं बुलाने वाली है, क्योंकि केबीसी को दोनों देखना होता है, एक तो आपका एजुकेशन है ही कि आप कितना एडुकेटेड है, दूसरा वीडियो भी केबीसी आपका देखने वाला है कि वीडियो आप कितना बेहतर जो है आप वहाँ पे बना के दिए हुए हैं। थर्ड राउंड में प्रतिभागी कहाँ पे मार्क कर गए ये वो भी आप समझ लीजिए।
अगर आप ऑनलाइन ऑडिशन जिस दिन दिए हुए थे तो उसमें अमिताभ बच्चन के द्वारा एक इंस्ट्रक्शन भी वहां पे डाला गया था, जिसमें स्पष्ट साफ साफ बताया गया कि आप डार्क कपड़ा जो है कोई भी पहनकर अपना वीडियो आप वहां पे नहीं बनाइए। यानी कि उसमें 3 या 4 कलर आपको बताया गया था कि ब्लू आप पहन सकते हैं या फिर वहाँ पे पिंक आप पहन सकते हैं, इस तरीके का कुछ 3-4 कलर बताया गया था। उसी कलर के कपड़े को आप पहनकर अपना वीडियो सबमिट कीजिए। इसमें भी काफ़ी सारे प्रतिभागी जो है वहाँ पे मार्क किए हुए हैं। तो एक सारा कन्फ्यूजन अपने माइंड से आप यहाँ पे निकाल दीजिए। केबीसी में चयनित आप नहीं हुए तो भी कोई यहाँ पे मतलब नहीं है। यहाँ पे आपके एजुकेशन को लेकर जो है चयन किया ही नहीं जाता है, इसलिए आप अपने आप को नीचे ही मत गिराइए कि आप वेल एडुकेटेड है या फिर जीके का आपके पास काफ़ी बड़ा भंडार है या फिर आप काफ़ी सारे एडुकेटेड है जीके के क्षेत्र में। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। केबीसी को सिर्फ और सिर्फ अपना टीआरपी चाहिए। अगर आप केबीसी को टीआरपी नहीं दे सकते हैं, आप वार्तालाप वहाँ पर बेहतर नहीं कर सकते हैं, वीडियो शूटिंग में आप बेहतर वर्ड का वहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है केबीसी वैसे प्रतिभागी को अपने मंच पर नहीं बुलाने वाली है। इसका मतलब साफ साफ हो जाता है कि केबीसी को आपसे सिर्फ और सिर्फ एक ही शब्द चाहिए कि आप दर्शक को कैसे जो है अपने तरफ मोटिवेट कर लेते हैं, यानी कि किसी भी दर्शक को आप कैसे अपने तरफ खींचेंगे ये उस पर डिपेंड करता है। कोई भी प्रतिभागी अगर केबीसी के मंच पे जाके वहाँ पे गेम खेलते हैं तो उसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ जो सवाल पूछा जाता है उसका आप जवाब देते हैं। तो ये तो जो भी एडुकेटेड पर्सन होंगे अगर उनको उस सवाल का जवाब मालूम होगा कोई भी प्रतिभागी वहाँ पे देगा, लेकिन जो वार्तालाप हो रहा है उस वार्तालाप में कितना वहाँ पे कनेक्टिविटी वहाँ पे उत्पन्न हो रहा है या फिर दर्शक को आप कितना अपने तरफ खींच कर रख रहे हैं, कब तक जो है आप दर्शक को उस शो से पकड़ कर रखते हैं, डिपेंड इस पे करता है। तो इसलिए सारा कन्फ्यूजन आप अपने माइंड का निकाल दीजिए। ये लेकिन परंतु आपके माइंड में चल रहा होगा कि आखिर केबीसी जो है कितना सही जवाब देने वाले को चयनित कर रहा है या फिर कितना जो है अगर सही 20 में से कितना जवाब दिए हैं तो पीआई कॉल आ रहा है, ये सब बिल्कुल आप वहाँ पे छोड़ दीजिए। ये मार्किंग लेवल वहाँ पे है ही नहीं। केबीसी के शो पे कोई वहाँ पे एजेंडा बनाया ही नहीं गया है कि आप कितना परसेंट वहाँ पे सही जवाब देंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। डिपेंड इस पे करता है कि आप टीआरपी कितना शो को दे रहे हैं, आपका वीडियो कितना वहाँ पे बेहतर है, आप इमोशनली जो है पब्लिक को कितना अपने तरफ अटैचमेंट कर रहे हैं। अगर ये आपका बेहतर होगा वीडियो, आपका सिलेक्शन वहाँ पे वीडियो अगर अपलोड आप बेहतर किए होंगे तो 110% वैसे प्रतिभागी को जो है केबीसी चयनित करेगी। लेकिन अगर आप वेल एडुकेटेड है इससे केबीसी को कोई भी लेना देना नहीं है। इसका मतलब साफ साफ आप यहाँ पे अपने माइंड से निकाल लीजिए कि आप वेल एडुकेटेड है, 20 का 20 जवाब भी दिए हैं तो भी आपका वहां पे सिलेक्शन जो है केबीसी टीम नहीं करने वाली है। सवाल प्लस वीडियो दोनों के आधार पे जो है केबीसी टीम इस बार या फिर हर सीजन में जो है प्रतिभागी को चयनित करती है।